सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई होप सभी अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो सबसे पहले गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज है मेरे को थोड़ा सा काम, तो सबसे पहले मैं निकलूंगा घर से बाहर और क्या कहते हैं पहले करूंगा, सबसे पहले जाकर वो सारा काम खत्म, उसके बाद मेरे को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो करवाने चलेंगे अपन। तो बने रहिएगा ब्लॉग को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब जो है कि कल एक बहुत बढ़िया ब्लॉग आने वाला है और बहुत बड़ा ब्लॉग आने वाला है, वो मैंने अभी मतलब जस्ट अभी प्लानिंग चल रही है कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना, तो प्लानिंग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको भी कल देखना ना भूलें कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें हूँ कि कल कैसे क्या होगा, मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है कल, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो गाइस, क्योंकि कल का जो ब्लॉग है ना बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है मेरी लाइफ का, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब तक के लिए अभी निकलते हैं अपन सबसे पहले बाहर और जो काम है अपन के काम खत्म करके आते हैं। तो फाइनली गाइज अपन पहुंच चुके हैं, जो अपन को काम करना था वो करना था। तो फाइनली गाइज अपन पहुंच चुके हैं थेरेपी कराने, भैया पहले इस थेरेपी के फायदे बताओ थोड़े से। आज हम करने जा रहे हैं, कुछ लोग डरते हैं बहुत ज्यादा कि पेन होता है, मगर इसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं, मैं डरता नहीं हूँ वैसे तो। सकल दिख रही है डरने वाली भाई की, बताइए सर। नहीं नहीं बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कपिंग थेरेपी जो है ये बहुत रिलैक्सिंग होती है, जो इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, कभी कभी वर्कआउट करते करते हम डंबल कर रहे हैं एकदम से रुक जाता है, वेट उठता नहीं, उसके बाद वो जो हमारे टिश्यू जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाती है मसल्स, इसलिए जो है वो नहीं पाता। और अवैध जिससे कि आप घर बैठे बैठे काफी सारे ISTM टूल्स जिससे जो ग्रास्टन टेक्निक होती है वो यूज करते हैं, तो जो ये टिश्यूज रहते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जो टिश्यूज स्टिफ रहते हैं तो ये हमारा साइज जो है गेन नहीं हो पाता। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये सारे कप फिक्स कर दिए हैं और ये जो है वैक्यूम बन गया है मसल्स में, ये वैक्यूम बना के जो ये हमारी मसल को स्ट्रेच कर रहा है, तो इससे जो साइज जिसका गेन नहीं हो रहा है वो साइज गेन होगा जो है, और इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आइए पूछते हैं कैसा फील हो रहा है आपको। रिलैक्सिंग ऐसा लग रहा, सोते रहो, पेन तो नहीं हो रहा तो ठीक है, लग रहा था मतलब इन्हें करवाने से पहले ज्यादा पेन होगा पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये बहुत डर रहे थे कि इनको जो है बहुत पेन होगा, घबरा रहे थे, मैं एक लोकी कर रहा था तो देख भी रहे थे, तो इनको लग रहा था इन्हें भी बहुत पेन होगा, बस इनको अभी काफी रिलैक्स फील हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में हम इसको निकालेंगे, अभी ये कम से कम 10 मिनट के लिए फिक्स रहेगा जो है। तो कैसा फील हो रहा है भैया, बता नहीं रहे अभी, कुछ और बोल लेते कैमरे के पीछे। हाथ बिल्कुल भी मतलब मूव नहीं हो रहा, उठा नहीं सकता मैं बिल्कुल भी, मतलब ऐसा है कि मैं कुछ से भी खड़ा नहीं हो सकता,
हैं, इतनी कंडीशन होगी खराब अभी? ऐसा लग रहा बहुत बजट। देखो भाई, अरे बाप रे, अभी तो निकलेगी ना, जब उसके बाद देखना भाई ने क्या टैटू कटवा रखे हैं पूरी पीठ पर पड़ने पे, है ना? वेट करो, निकालने चल रहे हैं, हो चुका है ये। जैसे आप देख रहे हो ना कि कब निकालेंगे, तो कहीं कहीं आपको ब्लैक सा दिखेगा जो है। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये ब्लैक क्यों हो जाता है जो है। देखिए इस जगह हो गया है, तो ये जो ब्लैक जगह रहती है यहाँ पे जो है टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, या हमारी मसल ज़्यादा स्टिफ रहती है उसकी वजह से टीशूज में जो है ब्लड का जो है फ्लो प्रॉपर रहता नहीं है जो है। तो ये कपिंग से जो है ये ब्लड का फ्लो जो है आपका वो अच्छा हो जाता है। जैसे देख रहे हैं आप ये एरिया, ये इनका ब्लैक हो चुका है जो है, तो इसका ये रीजन रहता है। अब इसमें हम जैसे कि आगे बेड कपिंग इजामा भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है, तो उससे ये जो टॉक्सिन सारे दिख रहे हैं आपको ये सारे निकल जाएंगे, फिर ये ब्लैक नहीं होगा। पर इनका अभी फर्स्ट टाइम है, तो अभी हम इनको ड्राई कपिंग दिए हैं, फिर इनको जो है हम नेक्स्ट मंथ जो है इनकी हम बेड कपिंग करेंगे।